घर का जो टीवी होता है वो सबका दोस्त होता है, वो किसी अकेले की प्रॉपर्टी नहीं होती। टीवी को जो है वो घर में सब लोग जो है वो यूज करते हैं। तो ऐसा साथी मैंने जो है वो ले लिया है, LG का UHD UQ80 टीवी। लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, 2022 की सीरीज का है। इसके अंदर बहुत जबरदस्त फीचर्स है जो कि आपकी फैमिली का हर एक मेंबर यूज कर पाएगा। और ये LG UHD UQ80 सीरीज का टीवी आपका बढ़िया साथी बन पाएगा जो कि काफी अच्छी प्राइस पर अवेलेबल है। नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे एक टीवी लेना था अपने लिविंग रूम के लिए, पुराने टीवी सब चले गए, तो मैं गया यार अब खरीद ही लेते हैं, कब तक जो है वो दूसरों पे निर्भर रहा जाए। तो LG ने अभी एक नई सीरीज यहाँ पर लॉन्च की थी और मैं LG का OLED टीवी यूज कर रहा हूँ 2018 से, तो मैंने कहा यार LG ही ट्राई किया जाए। तो जब मैंने जाकर फीचर देखे तो आप देखते हैं काफी बढ़िया फीचर यहाँ पर मिल रहे हैं। जो प्रोसेसर दिया है वो सबसे बढ़िया जबरदस्त है, उसके बाद में जो मैजिक रिमोट है वो यहाँ पर मिल जाता है, फिल्म मेकर मोड है, AI साउंड है, वेब OS, भाई साहब क्या जबरदस्त वेब OS है। और वेब OS का 2022 वर्जन आ गया, वो भी आपको दिखाने वाला हूं मैं यहाँ पर। साथ ही साथ इसमें जो है आपको यूजर प्रोफाइलिंग दी गई है, पेरेंटल कंट्रोल आपको पता है कि नॉर्मल चीज होती है, लेकिन उसको भी यहाँ पे एनहेंस लेवल पे दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस की, यानी कि प्रोसेसर की। LG UHD UQ80 के अंदर आपको जो है वो Alpha 5 Gen 5 AI प्रोसेसर 4K जो है वो दिया गया है, जो कि यहाँ पर AI ब्राइटनेस और 4K अपस्केलिंग के से बढ़िया फीचर के साथ में आता है। ये दो फीचर जो है वो काफी बढ़िया है। AI ब्राइटनेस क्या होता है कि जब भी आप कोई सीन देख रहे हैं टीवी के अंदर, चाहे वो डार्क है चाहे वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो आपके एम्बिएंट एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है वो यहाँ पर सिनेमा स्क्रीन को एडजस्ट करता है। मान लीजिए आप रात को देख रहे हैं तो उस हिसाब से करता है, आप दिन में देख रहे हैं काफी हार्श लाइट आ रही है तो वहां पर भी उसको जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, जिससे आपकी आंखों पर प्रभाव नहीं पड़ता और आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस भी जो है वो एनहेंस होता है। दूसरा जो फीचर इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर 4K अपस्केलिंग। आप जो है बहुत तरह कंटेंट देखते होंगे, चाहे आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, चाहे आप नेटफ्लिक्स देखते हो, प्राइम देखते हो, या फिर आप आज भी जो है वो दूरदर्शन देखते हो या फिर और टीवी देखते हो, जहां पर आपको फुल HD छोड़ो HD तक कंटेंट मिलना जो ना मुश्किल होता है। यानी कि आज भी जो है बहुत सारे न्यूज चैनल आप देखते हैं तो वो SD यानी कि 480p भी बनाते हैं, 720 फुल HD। तो यहां पर ये प्रोसेसर जो है उसको 4K अपस्केल कर देता है, यानी कि 4K अपस्केल लाइक आपको क्वालिटी दिखाता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ साहब क्वालिटी जो है अच्छी आपको टीवी पे देखने को मिल रही है। इस फोटो में जो है वो आप एग्जांपल दिखाया गया है, जिस तरह से आप एक नॉर्मल कंटेंट देखेंगे तो शायद वो ब्लर दिखेगा, लेकिन आपको 4K अपस्केलिंग में थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर बढ़िया मिलती है, यानी कि 4K लाइक मिल जाती है यहाँ पर। इसके अलावा ये वाला प्रोसेसर जो आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। मान लीजिए आप किसी भी OTT चैनल के ऊपर देख रहे हैं या फिर आप कोई भी सेट टॉप बॉक्स पे देख रहे हैं, तो सभी के सभी जो फॉर्मेट्स होते हैं, बहुत तरह के जो है वो वीडियो फॉर्मेट आपको देखने को मिलते हैं, सभी को यहाँ पर जो अल्फा 5 जनरेशन वाला जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर सपोर्ट करता है, चाहे वो HDR हो, HDR 10 Pro हो, HLG Pro हो, HDR डायनेमिक रेंज वगैरह सब आपको जो है वो परफेक्टली आपको जो है वो इसमें देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पर जबरदस्त फीचर है वो है यहाँ पर इसका वेब OS। अब जो है वो पूरा आपको जो पूरी स्क्रीन पर आप जो उसको यूज कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। आप यहाँ पर देखते हैं सारे के सारे आपको शॉर्टकट दिए गए हैं, जितनी भी एप्लीकेशन आप चाहिए ले सकते हैं, और उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन भी जो है वो देखने को मिलती रहती है, तो आप अपने हिसाब से जिस तरह से चाहें उसको जो है वो यूज कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कोई भी आप अगर सेटिंग ओपन करते हैं तो सेटिंग जो है पीछे वाले पेज के ऊपर ही ओपन हो जाती है, ऐसा नहीं होता कि पहले एग्जिट करो फिर बाहर आओ फिर निकालो। बहुत जगह हमने देखा है कि पूरा पूरा एग्जिट करेगा फिर बाहर आएगा फिर सेटिंग में निकालेगा, लेकिन जहां पर भी आप हैं वहीं से आप जो है डायरेक्टली सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। आप जाइए यहाँ पर सेटिंग में, आपको जो भी ऑप्शन देखना है आप जाकर जो है वो देख सकते हैं। इसमें वेब OS के अंदर आपको जो है बहुत सारी सेटिंग्स मिलती हैं, लेकिन जो मैंने आपसे बात की प्रोफाइलिंग की वो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल यहाँ पर फैमिली सेटिंग के अंदर। फैमिली सेटिंग के अंदर जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि यूजेस लिमिट सेटिंग। इस सेटिंग के अंदर आप जो है वो टाइम को सेट कर सकते हैं और ये जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो ये पासवर्ड आपको संभाल करके रखना है, बच्चों के साथ शेयर नहीं करना है ऑब्वियसली। इसके अंदर आप जो है वो टाइम सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फंक्शन को जो है वो अनेबल कर दिया है और अभी जो टाइम है 3:58 हो रहे हैं, और मान लीजिए अगर ये टाइम सेट था कि हाँ साहब 3:58 पे जो है वो बंद हो जाना चाहिए, तो आपका जो टीवी है वो बंद हो जाएगा। अभी आप देखते हैं कि 3:59 हो गए हैं और टाइम जो है वो पूरा हो गया है, तो इस टाइम के अंदर टीवी जो है वो ऑन ही नहीं होगा। मान लीजिए आप बंद करके चला लेते हैं तो टीवी जो है वो चलेगा ही नहीं, वो बोलेगा कि भैया टाइम आपका जो है वो नहीं है, आप जो है वो अपने टाइम पे आकर देखो इसको, ये देखिए। तो ये चीज़ यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप तो अनलॉक कर सकते हैं लेकिन बच्चे इसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसमें यहाँ पर आपको जो है आई केयर मोड मिलता है, जो कि आप अनेबल कर देंगे तो जो इसकी ब्लू फिल्टर है वो यहाँ पर जो वर्क करता है, आप देखते हैं ये नॉर्मल है और ये जो है वो ब्लू फिल्टर में काम आ गया है। अगला ऑप्शन है वॉल्यूम लिमिट। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा आवाज़ में सुनते हैं तो वो भी आप जो है लिमिट कर सकते हैं कि वो आवाज़ जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, 60% से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो आवाज़ नहीं जाएगी। ये देखिए वॉल्यूम है 1 पे करके है, अभी दिखा रहा हूँ आपको, और ये जो है 60 की जो वॉल्यूम है वो वहाँ पर है और नीचे लिखा भी आ रहा है कि वॉल्यूम लिमिट जो नहीं जाएगी, तो ये भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज वॉल्यूम जो है वो 100 तक जाती है। इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है यहाँ पर, स्क्रीन टाइम रिपोर्ट।
कि आपने जो है वो क्या चलाया, किस तरह चलाया, वो सब यहाँ पर आपको दिखाता है। जिस तरह से हमारी रिपोर्ट है वो दिख रही है कि हमने जो है वेब ब्राउजर को चलाया, HDMI चलाया, YouTube चलाया, Netflix चलाया, कितनी कितनी देर चलाया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं। आपकी बच्चों के ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं क्या होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए बस एक कोड लगा दिया वो टीवी नहीं चला पाएंगे, नहीं। तो वेब ओएस के अंदर ये एक बड़ा ही अमेजिंग फीचर है। इसके अलावा सिस्टम के अंदर भी आपको जो है सेफ्टी ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पर आप जो है वो टीवी की रेटिंग पे, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो कि 13+ है, 16+ है, 18+ है, तो वो प्रोग्राम यहाँ पर जो है बच्चे नहीं देख सकते हैं। प्रोग्राम को भी आप लॉक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जो है वो टीवी यहाँ पर डिटेल्स कनेक्ट कर रखा है, तो सारा का सारा जो डेटा प्रोग्राम होता है वो यहाँ पर मिल जाएगा कि टीवी का क्या शेड्यूल चल रहा है, उसके हिसाब से आप प्रोग्राम को लॉक कर सकते हैं। प्रोग्राम के बाद में आप जो है वो एप्लीकेशन लॉक भी लगा सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर नेटफ्लिक्स पे और प्राइम पे लॉक लगा रखा है। तो अगर यहाँ पर कोई आप देखेंगे स्क्रीन पर जाकर के, अगर कोई नेटफ्लिक्स चलाना चाहेगा तो नेटफ्लिक्स जो है वो नहीं चलेगा, वो बोलेगा कि ये जो है वो लॉक्ड है। ये देखिए नेटफ्लिक्स पे और प्राइम पे हमने लॉक लगा रखा है, तो पूछेगा भैया पहले बताइए पासवर्ड, फिर ओपन होगा। तो ये सारे फीचर जो है वो आपको कस्टमाइजेशन के साथ मिलते हैं, अपनी मर्जी से जो है वो आप जहाँ पर भी आपको कंट्रोल करना है उसको कर सकते हैं। LG में आपको जो है वो ThinQ AI एप्लीकेशन भी मिलती है, जो कि आप अपने स्मार्ट गैजेट्स को, स्मार्ट अप्लाइंस को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी भी उनमें से एक फीचर है जो कि आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एज ए रिमोट यूज़ कर सकते हैं, एप्पल एयरप्ले यूज़ कर सकते हैं। होम किट इसमें आपको अपने आप आईफोन, आईमैक, आईपैड से कोई भी या फिर कोई एंड्रॉयड डिवाइस हो उससे मिरर कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपको जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें करने का मौका देती है। साथ ही साथ इसमें आपको बिल्ट इन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट का भी जो है वो सपोर्ट मिल जाता है। ThinQ AI एप्लीकेशन जो है वो आपको IoT इकोसिस्टम को आसानी से कंट्रोल करने में मदद करती है। अगला फीचर जो है वो है यहाँ पर मैजिक रिमोट। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एक मैजिक रिमोट है, यहाँ पर कर्सर जो है वो मूव करता है और आपको जो है वो बार बार बटन को लेफ्ट राइट अप डाउन स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जितने भी मैंने टीवी यहाँ पर देखे हैं, मोस्टली के अंदर जो है वो इरिटेशन होती है। कैसे, मान लीजिए आपको यहाँ जाना है, आप कट 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 दबाते रहिए, नीचे से जाना है टक 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 दबाते रहिए, लेकिन मैजिक रिमोट में आपको बस माउस को थोड़ा सा शेक करना है और आपका जो कर्सर आ जाता है, आप उसको जहाँ लेके जाना चाहते हैं वहाँ पर लेके जा सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल, बढ़िया चीज़ लगती है जब आप टाइप करते हैं कुछ, लेकिन आपको टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैजिक रिमोट के अंदर मैजिक माइक्रोफोन है, आपको बस यहाँ पर बोलना है शर्मा जी टेक्निकल और वो लेकर के आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी जो है वो टाइप करना पड़े तो वो भी बहुत आसान है। कैसे, आपने बस शेक किया और जैसे आपको अगर लिखना है कि LG का ही वीडियो सर्च करना है तो आपने L पे दबाया, G पे दबाया, स्पेस दबाया। वरना अगर आप ये सब अगर कट कट करने जाओ तो कितना इरिटेटिंग है। आपने इस तरह से किया, स्पेस दिया और अब मैं आपको जो नॉर्मल लिख के दिखाता हूँ। नॉर्मल में क्या करना पड़ता है, आप जाओ पहले L पे, फिर जाओ G पे। आपने सोचो कितनी बार आपने जो है वो कर्सर को ऊपर नीचे जो है वो प्रेस किया है। और ये चीज़ जो है मेरे साथ बहुत होती है, मैं बहुत ज़्यादा टाइप कर, मतलब अगर मान लीजिए वो सर्च काम नहीं कर रहे, अगर आपको टाइप करना है तो बड़ा जो है वो इरिटेटिंग सा रहता है। लेकिन मैजिक रिमोट के साथ में ये बहुत ही आसान है। फटाफट से आप यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, फिर स्पेस दबाया, फिर से वो किया, सर्च किया, तो बहुत ही ईजी रहता है। ये फीचर आप जो ब्राउजर के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जो है वो मैजिक रिमोट के ऊपर जो डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं, इनपुट का बटन दिया है डेडिकेटेडली, म्यूट का दिया है, माइक्रोफोन का दिया है, सेटिंग का भी दिया है यहाँ पर, और आपको प्राइम, नेटफ्लिक्स, मूवीज, अलेक्सा, डिजनी हॉटस्टार, इनके भी जो है वो डायरेक्ट इनपुट दिए गए हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है पहले आप होम दबाओ, फिर बटन दबाओ, फिर वहाँ दबाओ, आप सीधे ही दबाकर उनको जो है वो ऑन कर सकते। जैसे मैंने अपने सीधा का सीधा जो है नेटफ्लिक्स को दबाया तो पॉपअप वहाँ पर आ गया। अगर मैं यहाँ पर दबाता हूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार, मैंने दबाया जो है ऑन हो गया, और मैं दबाता हूँ एलेक्सा का तो हो गया। तो इंस्टेंटली यहाँ पर ये जो है ऑन हो रहा है। आप देखो प्रोसेसर जो है वो कितना ज़बरदस्त है। ये मैंने मूवीज़ को दबाया यहाँ पर नेटफ्लिक्स से, तो यहाँ पर आपके लिए जो है वो जितनी भी मूवीज़, जितनी भी ऐप्स में अवेलेबल है वो सबसे यहाँ पर ढूंढ के लेकर के आ जाता है और आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर गेमिंग की। LG UHD UQ80 स्मार्ट टीवी के अंदर आपको जो है वो गेमिंग एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। वो कैसे, इसमें आपको गेम ऑप्टिमाइजर मिल जाता है और गेमर्स की सेटिंग को भी सेव करके रखता है। अदर मोड्स में आसानी से टॉगल करके चेंज कर सकते हो। फास्ट रिस्पांस टाइम है, लो इनपुट लैग है, HGIG फॉर HDR गेमिंग, ऑटो लो लेटेंसी मोड, EARC का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करता है। अगर आप एक स्पोर्ट्स वॉच करने का शौकीन रखते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, तो ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद हो सकता है। कैसे, इस टीवी में आपको स्पोर्ट्स में फास्ट पेस एक्शन, स्मूथ मोशन,
क्लियर एंड रियल एक्सपीरियंस ब्लूटूथ सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी के साथ में मिलता है। इसमें आप ब्लूटूथ स्पीकर्स को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं ट्रू वायरलेस सराउंड साउंड एक्सपीरियंस। स्पोर्ट्स अलर्ट्स, टीवी नोटिफिकेशन भी आपको मिलते हैं। मान लीजिए आप नोटिफाई कर देते हैं कि भैया इस टाइम को मैच है, तो ये कहीं पर भी आप कोई प्रोग्राम चला रहे हैं टीवी के अंदर आपको नोटिफाई करता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो शुरू होने वाला है, आप जाकर देख सकते हैं। स्क्रीन साइज की अगर बात करते हैं तो ये टीवी जो है वो आपको तीन साइज में मिल जाता है, 43 के अंदर, 55 के अंदर और 65 के अंदर। टीवी के अंदर आपको एस्थेटिक डिजाइन दिया गया है, काफी स्लिम है, वेट काफी जो है वो इसका लो है। और ये LG का UHD UQ80 सीरीज का टीवी आपको जो है अपने फेवरेट रिटेलर के पास में अवेलेबल मिल जाएगा, ऑनलाइन में और रिटेल मार्केट के अंदर। लिंक्स दिए हैं यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर जरूर से देख सकते हैं। टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो बहुत ही बढ़िया तरह का एक पैनल दिया गया है, गेम खेलने के लिए, टीवी देखने के लिए, 4K कंटेंट, AI पिक्चर और AI अपस्केलिंग फैक्टर के साथ में। तो कैसा लगा आपको LG UHD UQ80 TV? बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर और भी, लेकिन आपको जो है वो मैंने यहाँ पर मेन फीचर्स बताए हैं जो कि आपके लिए बड़े काम के हैं। जबरदस्त प्रोसेसर है, बढ़िया आपको जो स्क्रीन क्वालिटी मिलती है ऑडियो के हैं, और सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है वो इसका WebOS और मैजिक रिमोट है जो दिल को जीत लेते हैं। और आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप दुनिया भर की चीज़ों को लॉक कर सकते हैं अगर आपको लॉक करना है तो, मतलब फुल कस्टमाइजेशन और आपको फुल पेरेंटल कंट्रोल दिया गया है। सिर्फ नाम का नहीं है कि एक लॉक लगाया और टीवी बंद, नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको जो है वो मिलती हैं। आज की तारीख में क्या होता है कि सब लोग जो है वो जॉब वगैरह करते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं घर में, तो वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को अगर आप खुद से रेगुलेट करेंगे तो बढ़िया है, क्योंकि इंडिया में अब सेंसरशिप नाम की चीज़ नहीं रही है, सब कुछ जो है वो ओपन रह गया। तो आप अपने संस्कार दीजिए बच्चों को जो आपके यहाँ पर वैल्यूज में रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक्स दिए गए हैं LG वेबसाइट के, आप जाकर डिटेल देख सकते हैं। बाय लिंक्स दिए गए हैं जहां से आप इसको जो है बाय कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो टीवी है LG ने इसको ऑनलाइन ही ओनली जो है वो रखा है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई सवाल है टीवी के लिए जरूर से बताएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको जवाब देने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।